सात्विक अहंकार में से ही चंद्रमा प्रकट हुए, जिनको मन का देवता कहा गया। पुराणाकार इसमें वर्णन करना चाहते हैं कि परमात्मा के स्वभाव में से ही ये सब प्रकट हुआ है। उस विराट में से ही स्वयं विधाता ब्रह्मा, उनकी नाभि से कमल और वहां से ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अपने आप को दो भागों में बांट रखा था, एक से स्त्री और एक से पुरुष बना करके तैयार कर दिया गया था। भागवत में लिखा है जो स्त्री थी उसको माता सतरूपा के नाम से, और जो पुरुष था उनको श्री मनुजी महाराज के नाम से जाना गया। वर्णन किया इन 10 ऋषियों की बात बताई गई। चराचर जगत में ये 10 ऋषियों को कार्य सौंपा गया। भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुए और इन 10 महात्माओं ने उन वेदों का बहुत ज़्यादा प्रचार किया। मनुजी महाराज को आज्ञा दी गई थी कि तुम आगे मैथुनी सृष्टि को जन्म दो। तो मनुजी महाराज ने भगवान को पूछा, वेदाता ब्रह्मा को कहा कि इस समय धरती नहीं है। परीक्षित ने पूछा धरती कहाँ चली गई थी। कहा कि द्विती के यहाँ जन्म लेने वाला पुत्र जिसका नाम था हिरण्याक्ष, वो धरती का तकिया बना करके और नीचे रसातल में लेकर के वह चला गया। वेदाता ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि धरती कैसे आवे, उसी समय उनको छींक और नासिका में से स्वयं परमात्मा प्रकट हो गए। उन्होंने वराह रूप धारण कर लिया। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय हो। भगवान वराह के देह से रोम धरती पर गिरे, उससे कुसा और पसीने से तिल बनकर के तैयार हो गए। कल भी मैं बता रहा था कि जिसके बिना कोई भी श्राद्ध कर्म का कार्य नहीं होता। परमात्मा पहुँचे। संक्षेप में कथा ये मुझे कहनी पड़ेगी, टाइम कम बातें ज़्यादा हैं। और घमासान युद्ध उस दैत्य हिरण्याक्ष के साथ हुआ। सत श्री भगवान वाच सत्यम वयम भूवन गोचरा मृगा युष्मद्वथान मृग ये ग्राम सिंगा नमृत्युपाशय प्रतमुक्त वीरा विकुत्थनम तब ग्रयस्त्र भद्र। इसने भगवान को वनगोचर कहा, वन में चरने वाले वनगोचर कहा, तो परमात्मा ने उसको ग्राम सिंह कह दिया। और दोनों में कुछ तो पहले बातें हुई और उसके बाद में घमासान युद्ध हुआ। भागवत में सुखदेव भगवान कहते हैं राजन 1000 वर्ष तक ये युद्ध द्वंद चलता रहा। परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुदेव आखिर में तो इसका कोई पुण्य ही होगा कि 1000 वर्ष तक भगवान का दर्शन करता रहा। इसके पूर्व चरित्र के बारे में आप बता देते कुछ तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। तो भगवान सुखदेव मुनि बोले कि ये कोई और नहीं पूर्व का भगवान के जो दो गढ़ थे जय और विजय पार्षद थे। एक बार सनत कुमारों ने रोक दिया इन्हें, उन्होंने इनको अभिशप्त कर दिया, श्राप दे दिया कि जाइए तुम राक्षस हो जाओ। तो ये हर युग में आकर के राक्षस बने। सतयुग में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से यह बने और महात्मा कश्यप के यहाँ इन्होंने जन्म लिया। परीक्षित राजा ने तत्काल प्रश्न कर दिया कि महात्मा कश्यप तो देवताओं के पिता हैं, तो उनके यहाँ ये निशाचर कैसे आकर के जन्म ले लिए, इसके बारे में भी बताइए। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन कश्यप की 2 पत्नियाँ हैं, विशेष रूप से यूँ तो उनकी 13 पत्नियाँ हैं और 2 ये कुल मिलाकर 15 पत्नियाँ हैं। तो उनमें से जो 2 हैं, एक का नाम है अदिति, दूसरी का नाम है दिति। ये दिति का बेटा हुआ है। कहा कैसे राक्षस आया, का संध्या का समय था, महात्मा यज्ञ की तरफ चला तो इसने उसकी धोती पकड़ ली और ये कहा पहले मेरे साथ सांसारिक कृत करना होगा। साधु कुपित हो गया, उसको बहुत लज्जा लगी और श्राप दे दिया कि जा तेरी कोख से राक्षसों का निशाचरों का जन्म होगा। बाद में वह रोने लगी थी, चीखने लगी थी, तो कह दिया राक्षस तो पैदा होंगे लेकिन तेरा प्रपात्र विष्णु भक्त चल के आएगा, उसका नाम प्रहलाद होगा, जिसकी वजह से तेरा कल्याण होगा। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात भागवत जी में लिखी है, संध्या के समय में कुछ कर्म ऐसे हैं जो भूल करके भी नहीं होने चाहिए। संध्या के समय में गौधूली वेला में कभी भी भोजन न करें, कभी शयन न करें और चुटिया चुटीला भी ना करें। संध्या के समय में इन सब कर्मों को निषिद्ध बताया। स्त्री पुरुष सांसारिक कर्मों में ना रहें। अब आप भोजन तो नहीं करेंगे, दोनों वक्त मिलते समय सोएंगे तो नहीं, बीमारियां बढ़ेंगी, पेट में तमाम तरह की तकलीफें बढ़ेंगी। तो जिस पर पार्टी को बनाया है उसका हमें अवश्यमेव पालन करना चाहिए। हे परीक्षित, इसलिए उस दिति के यहाँ पर ये राक्षस वृत्ति वाला निशाचर आकर के पैदा हुआ हिरण्याक्ष।
हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्य, अक्षय या हिरण्याक्ष। जिन लोगों की दृष्टि संसार में संपदा के ऊपर टिकी है ऐसे ही जीव को हिरण्याक्ष के नाम से जानते हैं। परमात्मा के साथ लड़ गया, हजार वर्ष तक इससे के साथ युद्ध होता रहा और परमात्मा ने 1000 वर्ष के तत्पश्चात देवताओं की विनती सुनकर के इसकी कनपटी के ऊपर इतनी जोर से मुष्टिक का प्रहार किया, इसके अंदर से एक ज्योत निकली जो परमात्मा के चरणों में ही जाकर के विलीन हो गई। अब देवता आके भगवान की स्तुति करने लगे। पहले तो आकर के देख रहे थे कि मर गया कि अभी सांस चल रही है, जैसे करुआ कीड़ा को मार करके फिर देखते हैं कि कहीं जिंदा तो नहीं है, सो पुरवैया ब्यार में जिंदा हो जाए, फिर कहीं श्वास तो नहीं चल रही, तो जैसे उसको लाठी से कुरेद कुरेद के देखते हैं, जैसे एनकाउंटर करने के बाद पुलिस वाले बंदूक की पिछाई से देखते हैं कहीं जिंदा तो नहीं है। देवता लोग भी अभी उसको देख रहे थे कि कहीं जिंदा तो नहीं है, सो लपक के हमारी टेंटुली पकड़ ले। अब लगा देवताओं को कि बिल्कुल मर गया है। जब मर गया था तब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। अब यह कथा मेरे और आपके लिए है। हिरण्याक्ष क्या है? हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। जब तक जीवन की लोभ वृत्ति समाप्त नहीं होगी तब तक जीवात्मा परमात्मा की स्तुति कर ही नहीं सकता, ईश्वर की आराधना कर ही नहीं सकता। अब आप कहोगे कि हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक कैसे है, क्योंकि इसने धरती को रसातल में ले गया और लोभी व्यक्ति भी अपनी संपत्ति जमीन में गाड़ के रखता है। आजकल तो बैंक हैं, जब बैंक नहीं होते थे तो रूमाल में गठरिया बांध के गड्ढा खोद करके नीचे गाड़ देते थे। लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति यही होती है, वो गाड़ करके वो छिपा करके रखता है। इस पवित्र गांव की पवित्र व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूँगा, उदार बनोगे तो एक ही जीवन में कल्याण हो जाएगा और लोभी बन करके जिंदगी जियोगे तो बार बार मरना पड़ेगा और बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए लोभ प्रवृत्ति को छोड़ करके हम उदार बने। इसमें एक देसी उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर आप देखिए आलू का पेड़, आप देखेंगे आलू अपना फल जमीन में छिपाता है, गाजर अपना फल जमीन में, मूली अपना फल जमीन में, ये वृक्ष अपना फल जमीन में, ये पौधे अपना फल जमीन में छिपाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिनके फल ऊपर हैं, जैसे अनार, अनासपाती, केला और अमरूद, इन वृक्षों के फल ऊपर हैं। अब इन दोनों फलों को, दोनों वृक्षों को आप देखिए, जिन वृक्षों ने अपने फलों को ऊपर रखा है, सार्वजनिक घोषित कर दिया है, ऐसे पेड़ एकाध ही बार लगाए जाते हैं, और जिन पेड़ों ने, वृक्षों ने, पौधों ने अपने फल जमीन के अंदर लगाए हैं, इनको हर साल लगाना पड़ता है और हर साल उखाड़ना पड़ता है। आलू हर साल लगाना पड़ता है, मूली हर साल लगानी पड़ती है, लेकिन केले के पेड़, सेब के फल हर साल, पेड़ हर साल नहीं लगाने पड़ते। एक बार लगा दो और 50 वर्षों तक उसके फल लेते रहिएगा। लेकिन आलू अपना फल नीचे, गाजर अपना फल नीचे, मूली अपना फल नीचे, जिन्होंने जमीन में अपने फल छिपाए उनको हर साल लगना पड़ा, हर साल उनको खुदना पड़ा। जिन पेड़ों ने अपने फल बाहर रखे उनको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सीधी सी बात है, आलू गाजर की तरह छिपा करके रखोगे बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आम अमरूद की तरह जीवन जियोगे, एक ही बार में कल्याण हो जाएगा, एक ही बार में कल्याण हो जाएगा। ताली ऐसे बजाते हो मरी मराई, बिल्कुल हाथ में जानी नहीं है, बुलंदा भर के, बुलंदा भर के महाराज, बुलंदा भर के फलियार करके आए हो तो भी ऐसा लग रहा है जड़काले के लंगन हो रहे हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देवता स्तुति करने लगे, नमो नमस्ते खिलयज्ञ तंतवे स्तौ ग्रहीतामलत सत्तमूर्तये दृष्टा हतो हम जगतामरुत्ता तदपाद भक्ता भयमीश निव्रता। हे भगवान, आप संपूर्ण धरती के मालिक हैं, यज्ञ आपसे प्रकट हुआ है, यज्ञ न होता तो वर्षा न होती, वर्षा न होती तो अन्न धन पैदा नहीं होता, अन्न धन पैदा न होता तो सात धातु नहीं बनती, सात धातु न बनती तो सृष्टि का जन्म किसी भी प्रकार से नहीं होता। पूरी सृष्टि को बनाने वाले हे परमात्मा आप हैं। मैत्रेय कहते हैं, एवं हिरण्याक्षमसय्य विक्रमं ससाद्यत्पा हरिरादिशूकरः। हे सूत जी देखिए, सूत जी कहते हैं, सोनक ऋषियों देखिए भगवान कितने महान हैं। भक्तों के लिए वो सूकर अवतार भी धारण कर लेते हैं, अपने भक्तों के लिए वो वराह बन जाते हैं, अपने भक्तों के लिए वो कच्छप बन जाते हैं। और ऐसे परमात्मा की महिमा को छोड़कर जो लोग इधर उधर भटक जाते हैं वो तो बिना सींग और बिना पूंछ वाले वो तो पशु हैं,
ऐसा भगवान शिवदेव बोले। आज परमात्मा ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है, आज जगत मुक्त कर दिया इस निशाचर के बाहुबल से। एतन् महान् पुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्वं पादयोरासिसाम्। भगवान सुखदेव कहते हैं हिरण्याक्ष उद्धार की कथा को जो भी कोई सुनेगा, कोई सुनाएगा तो उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, उसका मन पावन हो जाएगा, उसका मन निर्मल हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा को निर्मल मन ही चाहिए, परमात्मा को करोड़पति नहीं, परमात्मा को निर्मल मन वाला चाहिए। क्योंकि निर्मल मन जन सोही मोहि पावा। भगवान कहते हैं चाहे जितना भी पूजा पाठ कीजिए, जब तक हृदय की निर्मलता नहीं होगी, मलिनता समाप्त नहीं होगी, तब तक उनके हृदय में मैं आके बैठ नहीं सकता। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं एतन् महात् पुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्वं पद आयुरासिसाम। जो हिरण्याक्ष उद्धार की कथा सुनेंगे उनका मन पावन होगा, बुद्धि पवित्र होगी, हृदय निर्मल होगा और आयुष राशिसम उन लोगों की लंबी उम्र बढ़ेगी। प्राणियाणाम यद सौर्य वर्धनम, उनका सौर्य बढ़ेगा, उनकी शक्ति बढ़ेगी। और नारायण इंतो अगतरंग संताम, जो इस कथा को सुनेंगे अंत में वो नारायण के चरणों में पहुंचेंगे। इस कथा की फलश्रुति यह है। बहुत बहुत धन्यवाद काय बात के लिए। 3 बजे तक बिना पानी पिए आप बैठे रहे इसलिए।